रिश्ते बहुत आ रहे हैं बेटी, और तुम हर दफा टालमटोल कर जाती हो। कभी तो फैसला करना होगा आखिर। देखो ये सुरेश पढ़ा लिखा, देखने में अच्छा, लखपति खानदान का लड़का है। लेकिन डैडी, जिसके साथ मुझे जिंदगी गुजारनी है, उसे मुझे जानना चाहिए, पहचानना चाहिए। सिर्फ तुमको ही नहीं बेटी, उसे हमें भी जानना और पहचानना चाहिए। इतनी जल्दी क्या है डैडी? अभी तो मेरी शादी की इच्छा भी नहीं है, जब होगी तब सोचेंगे। शादी का फैसला लड़की की इच्छा से नहीं बेटी, उसकी उम्र देखकर किया जाता है। क्या मतलब डैडी, कि मैं बुद्धि हो गई हूँ? नहीं बेटी, लेकिन डैडी आप मेरी शादी की चिंता छोड़ दीजिए, शादी का फैसला भी मैं अपनी मर्जी से करूंगी और शादी भी। सुमन, शादी के फैसले में तुम्हारी मर्जी का दखल हो सकता है, मगर शादी में नहीं होगा। उसमें सिर्फ तुम्हारी पसंद का ख्याल रखा जाएगा, लेकिन अगर तुम ज्यादा दिन तक इसी तरह टाल मटोल करती रही तो वो भी नहीं होगा। मैं बिना कुछ कहे सुने बात पक्की कर दूंगा। अगर आपको ऐसे करना है तो जब जहां जैसे जी चाहे कर दीजिए, आपकी बेटी हूँ। अगर इस रिश्ते का नाम गुलामी है तो ठीक है। जिस आजादी ने तुमसे माँ बाप की ममता का एहसास छीन लिया, लिहाज छीन लिया, वो आजादी तुम्हें कहाँ ले जाएगी जानती हो? आप तो बेकार के लिए बिगड़ रहे हैं डैडी। मुझे एक बात बताइए, अगर आपकी पसंद की शादी ने मुझे जिंदगी भर का रोना दिया तो क्या आप मेरे आंसू पोंछने आएंगे? और अगर तुम्हारी मर्जी की शादी ने भी यही दिया तो क्या करोगी? तो मैं आपके पास रोने नहीं आऊंगी। मिस्टर अजय ने अपने आर्टिकल में ठीक ही लिखा है, औरत की आजादी खुद औरत के लिए जहर है। मिस्टर अजय, अजय से वो पहली मुलाकात कितनी दिलचस्प थी। मिस्टर अजय शर्मा। यस। मैं सुमन आचार्य। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। सिट डाउन। औरतों की आजादी के बारे में आपका आर्टिकल मैंने पढ़ा, उसी के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ, कुछ पूछना चाहती हूँ। कहिए। आपका आर्टिकल बकवास है, ट्रैश है, एक खोखले दिमाग की उपज है। पूछिए। कितनी औरतों से मिले हैं आप जिंदगी में? कितनी औरतों को जानते हैं आप? क्या रिसर्च है जिसके बेस पर आपने ऐसा आर्टिकल लिखा है? चाय पियेंगे आप? जी नहीं शुक्रिया। इस विषय पर मैंने कम से कम नहीं तो भी 100 औरतों से बहस की, जिनमें 15 से 45 तक की सभी थी, मगर सब कंफ्यूज, फ्रस्ट्रेटेड और चरित्रहीन भी। और फिर मैं ऐसी औरतों से भी मिला जिन्होंने अपना जीवन पहले माँ बाप के लिए, फिर पति के लिए और आखिर में अपने बच्चों के लिए व्यतीत कर दिया। ये औरतें ज्यादा सुखी थी, ज्यादा खुश थे। ये आपका ख्याल है मिस्टर अजय, हकीकत नहीं। कली को अगर हवा ना लगे तो वो खिलती नहीं, और अगर खिली हुई कली यानी फूल को ज्यादा हवा लग जाए तो मुरझा जाता है, उसका रंग भी उड़ जाता है और खुशबू भी मर जाती है। इस रिसर्च के अलावा आपकी अपनी राय क्या है? किस बारे में? औरत के बारे में। औरत जब बेटी है तो माँ बाप की सेवा करना उसका धर्म है, औरत जब पत्नी है तो पति की सेवा करना उसका धर्म है, औरत जब माँ है तो अपने बच्चों की सेवा करना उसका धर्म है। गोया औरत का मतलब सेवा है। करेक्ट, सिर्फ सेवा। औरत की असली जगह है मर्द के कदमों में, और अगर मर्द चाहे, समझे, तो उसे कदमों से उठाकर बाहों तक ला सकता है, बस। मिस्टर अजय, मैं साबित कर दूंगी कि आप गलत हैं। अदरवाइज आप मान लेंगी कि आप गलत हैं। मुझे नहीं, आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि गलत मैं नहीं आप हैं। देखिए, इस तरह जबरदस्ती मैं नहीं मानूंगा, आपको साबित करना होगा, बाकायदा प्रूव करना होगा। अजय साहब, अगर हो सके तो आज शाम 7:30 बजे होटल प्लाजा कमरा नंबर 121 में मुझे मिलिएगा। सुमन आचार्य। दरवाजा अंदर से बंद कर लीजिए प्लीज।
मिस्टर अजय, मुझे माफ कर सकेंगे आप? मिस सुमन, आपने बहुत ज्यादा पी रखी है। सिर्फ आपसे माफी मांगने के लिए पी है मैंने। जी भर के लड़ी हूँ अपने आप से। क्यों? मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। कितने अच्छे हैं आप, देखने में सुंदर, स्वभाव के मीठे, और नजदीक से देखूं तो पता नहीं क्या हो। मिस सुमन, आप तशरीफ रखिए प्लीज। जो मैं मांग रही हूँ वो जब तक नहीं देंगे आप, मैं तशरीफ नहीं रखूंगी। क्या चाहिए आपको? जो मैं मांग रही हूँ। क्या मांग रही हैं आप? जो मुझे चाहिए। क्या? माफी। देखिए मिस सुमन, आप खड़े रहने के काबिल नहीं है, प्लीज या तो बैठ जाइए या लेट जाइए। मिस्टर अजय, एक बात बताएंगे? जी। शराब की असलियत है पानी मिस्टर अजय, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपकी असलियत वो नहीं जो आप लिखते हैं, बोलते हैं और मानते हैं, बल्कि ये है। हर मर्द की असलियत यही है, यही है औरत के कदमों में। गुड बाय मिस्टर अजय। चलो कमल। Please sit down, Mr. Ajay Sharma. Thank you. कहिए, कैसे याद फरमाया आपने मुझे? ये कुछ तस्वीरें आई हैं छापने के लिए मिस सुमन की तरफ से। सुमन की तरफ से? मेरा ख्याल है इन तस्वीरों के छपने से आपके करियर पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, इसीलिए मैंने आपको बुलाया था। अगर आप ऐसा समझती हैं तो मत छापिए इन तस्वीरों को। मेरे इनकार करने से तो अच्छा होगा कि मिस सुमन विड्रॉ कर लें। इसका फैसला तो मिस सुमन से मिलने के बाद ही हो सकता है। मिस सुमन? हाँ, प्लीज गो इनसाइड। आई सी। ये तस्वीरें जो आपने छापने के लिए दी हैं, उन्हें विड्रॉ करने की क्या कीमत लेंगी आप? सिर्फ एक आर्टिकल। कैसा आर्टिकल? बिल्कुल उसके उलट जो आपने पहले लिखा था। जहां आपने ये लिखा था कि आजादी औरतों के लिए जहर है, वहां सिर्फ ये लिखना होगा कि आजादी औरतों के लिए जहर नहीं बल्कि अमृत है। और अगर मैं न लिखूं तो? तो फिर वो तस्वीरें छपेंगी, एक मैगजीन में नहीं बहुत सारी मैगजीन में। और उसका रिजल्ट क्या होगा जानते हैं आप? क्या होगा? मैं कॉलेज में नौकरी करता हूँ, वो चली जाएगी, कोई मेरे लेख पढ़ेगा नहीं, कोई छापेगा नहीं, मैं बेकार हो जाऊंगा, बेरोजगार हो जाऊंगा, शायद बेघर भी हो जाऊं, हो सकता है भीख मांगकर मुझे पेट पालना पड़े। अगर इससे आपकी तसल्ली होती है तो जाइए वही कीजिए, छापिए उन तस्वीरों को। तो गोया आप बर्बाद जाना पसंद करेंगे मगर अपनी हार नहीं मानेंगे। मेरे हार मानने से आपकी तसल्ली नहीं होगी मिस सुमन,
आपकी तसल्ली तब होगी जब मैं आपकी जीत मान लूंगा। सारा जमाना आपकी जीत के नारे लगाएगा। जाइए, मनवा लीजिए सारे जमाने से अपनी जीत। मगर आप नहीं मानेंगे। जब सारा जमाना आपकी जीत मान लेगा मिस सुमन, तो मैं किस गिनती में हूं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। सुमन, आप तस्वीरें ले जा रही हैं? छापनी नहीं है क्या? अजय जी, अगर धक्के देकर निकाल ना दे तो मैं अंदर आ जाऊं? आइए। मेरे भाई की शादी है, आइएगा ना। कोशिश करूंगा। नहीं, वादा कीजिए। अच्छा आऊंगा। थैंक यू। मुझे लगा वो दूल्हा बना हुआ है, मगर किसका? मेरा। ये ख्याल मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर कुछ कहना सुनना नहीं था तो यहां आने की क्या जरूरत थी? खामोश तो हम कहीं भी बैठ सकते थे। मुझे कहना है, बहुत कुछ कहना है। कहिए। मुझे माफ कर दीजिए, भगवान के लिए मुझे माफ कर दीजिए। कर दिया। उस दिन जो कुछ हुआ वो ड्रामा था, आज सब सच है। मैं सच्चे दिल से माफी मांगती हूँ। मैंने भी सच्चे दिल से माफ किया आपको। और कुछ कहना है? मुझे कहना है। कहिए। मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। क्या करेंगे आप? सबसे पहले प्यार करूंगा बहुत, फिर शादी करूंगा एक बार, फिर रोटी पकवाऊंगा हर रोज, पांव दबाऊंगा सुबह शाम, और फिर सेवा करवाऊंगा जीवन भर, पहले अपनी फिर अपने चुनन मुनन की। इम्पॉसिबल। अरे अशोक, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। व्हाट इज इम्पॉसिबल? वो सब कुछ जो मिस्टर अजय आपसे करवाना चाहते हैं। आज की कोई औरत ये सब नहीं कर सकती। आज की औरत का काम है धोखा, फरेब। मिस्टर अशोक, आपको कोई हक नहीं बिन बुलाए हम दोनों के बीच आकर बोलने का। मिस सुमन, सच बोलने वाला जब भी आएगा बिन बुलाया आएगा, और वो भी अशोक।
तुम जो बोल रहे हो वो सच नहीं है। अगर मैंने और सुमन ने शादी की तो हम दुनिया को दिखा देंगे कि सुखी परिवार क्या होता है, आइडियल पति पत्नी क्या होते हैं। इट्स इम्पॉसिबल, आई चैलेंज यू। आई एक्सेप्ट योर चैलेंज मिस्टर अशोक। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो फिर आप उसी दिन मुलाकात होगी जब आप दोनों पति पत्नी होंगे और सुखी होंगे, आई होप। यस। इसका मतलब है कि मुलाकात कभी नहीं होगी। जी नहीं, इसका मतलब है कि मुलाकात बहुत जल्द होगी। ओह ओके, आई विश यू बोथ द बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। क्या सोच रहे हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? लेक्चरार हो ना, सोचकर बोलने की आदत पड़ी हुई है। अगर सोच चुकी हो तो अब कुछ बोलो। तुम बहुत अच्छी हो। इतनी सी बात बोलने के लिए तुम्हें इतना सोचना पड़ा? नहीं, बल्कि बहुत कुछ सोचने के बाद सिर्फ इतने कह पा रहा हूँ। एक बात बताओगे? पूछो। आज जितनी खुशी हम दोनों को बिना किसी रिश्ते के एक दूसरे को मिलने में मिलती है, किसी रिश्ते में बन जाने के बाद 24 घंटे साथ रहने के बाद भी मिलेगी क्या? क्यों नहीं मिलेगी, बल्कि ज्यादा मिलेगी। इंसान के जीवन का सच्चा सुख और खुशी मैरिड लाइफ में तो है। पता नहीं, मुझे कुछ शक होने लगा है। क्यों? जब से मेरे भाई की शादी हुई है, बड़े खानदान की बेटी हमारे यहाँ बहू बनकर आई है, तब से हमारे घर में 24 घंटे अशांति अशांति रहती है। कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हारे इस बुड्ढे खूसट बाप के साथ एक मिनट भी नहीं रहूंगी। जल्दी से दूसरा मकान ले लो, नहीं तो मैं अपने डैडी के पास चली जाऊंगी। हाँ, देख लिया आपने, ये है आपकी मर्जी, आपकी पसंद की शादी का नतीजा। ये है बड़े खानदान का रंग। डैडी, मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ कि मैं अपनी शादी अपनी मर्जी अपनी पसंद से करूंगी। ये नहीं हो सकता सुमन, घर में चार बर्तन हैं तो वो बजेंगे ही। बेटे और बहू के इन छोटे छोटे झगड़ों का मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें मनमानी करने दूं। अगर तुमने मनमानी की तो मुझे जिंदगी भर सूरत मत दिखाना। सुमन, मेरी प्यारी भांजी, कहाँ गमन हो रहा है? मामा जी, आप कब आए? अभी अभी तो पधार रहा हूँ बेटा, संक्षिप्त में तुम्हारे विवाह का एक संबंध लाया हूँ। आचार्य जी कहाँ है? अंदर। अंदर है? अच्छा। आज मामा जी एक संबंध लेकर आ गए, शादी मुझे करनी है और नींद उड़ गई है रिश्तेदारों की। अरे ये तो शादी ब्याह का मामला है, सब अपने अपने कहेंगे। और जिसकी शादी है उसे ना कुछ कहने देंगे, ना उसकी सुनेंगे, ना मानेंगे। आप तो मानेंगे ना? किस मामले में? शादी? आप हुक्म कीजिए, कब कहाँ? बहुत जल्दी, भगवान के सामने किसी मंदिर में। जी के यहाँ तो जाना नहीं चाहते, तो फिर मेरे घर चलें। चलो।
सोच लो दिल जरा सोच लो, अगर नहीं है यकीन तो कदम रोक लो। सोचे हुए सुख मिले ना मिले, निभ सके तो निभाने का वादा करो। ले चलो ले चलो, अब कहीं ले चलो, थाम लो अब मेरा थाम दो। ले चलो ले चलो, अब कहीं ले चलो। सब कुछ खत्म हो गया ना, वो डर, वो एक्साइटमेंट, वो टॉर्चर और वो छुप छुप के मिलना और मिलके भी छोड़ जाना। एवरीथिंग इज फिनिश्ड नाउ एंड वी आर लीगली वाइफ एंड हस्बैंड इफ यू डोंट माइंड। अब क्या होगा? अब शुरुआत होगी एक नए जीवन की सुमन और अजय, जिसमें ये कमरे में इतनी गंदगी नहीं रहेगी और ये कपड़े भी इतने गंदे नहीं रहेंगे, कोई बेतरतीबी नहीं होगी और बिस्तर पर कागज की किताब नहीं होगी, बल्कि सुमन नाम की एक जीती जागती किताब होगी, जिसे लेक्चरर अजय पढ़ेंगे स्टूडेंट बनकर और चाहेंगे एक प्रेमी बनकर और जिंदगी भर साथ निभाएंगे एक दोस्त बनकर। और आज से तुम इस घर की मालकिन हो, सब कुछ तुम्हारे चार्ज में है, नौकर जो खाना वाना बनाता है और एक धोबी है जो कपड़े वपड़े धोता है, अंडे वाला, दूध वाला, डबल रोटी वाला, अखबार वाला रोज सुबह 6 और 6:30 बजे के बीच यहाँ आते हैं, एक महतरानी है जो बाथरूम वगैरह साफ करती है और एक मैं भी हूँ जो। आप क्या करते हैं? मैं मैं अभी तक तो कुछ नहीं करता था। अब क्या करेंगे? इस वक्त तो आग से खेलने को जी जा रहा है। जल जाएगी दोनों ना। मुझे क्या मालूम? था इस महीने फ्री जाने वाला है, नहीं आया ना अभी तक। मेरी सहेली की शादी थी, 500 रुपए लेकर उसे प्रेजेंट दे दिया। वो जरूरी था या फ्रिज? क्यों, आप अपनी मौसी घर मेरे रुपया भेज सकते हैं, प्रोफेसर वर्मा के बर्थडे पर प्रेजेंट दे सकते हैं, कॉलेज के फंक्शन पार्टी पर रुपया खर्च कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, कुलीग्स हैं, मेरा कोई नहीं, मैं अपनी सहेली को प्रेजेंट नहीं दे सकती। लेकिन मैं पूछता हूँ क्या जरूरत थी इतना रुपया बर्बाद करने की? इनको कोई प्रेजेंट ही देना था ना, तो कोई छोटा मोटा प्रेजेंट नहीं देता? हाँ, छोटा मोटा क्यों देती, मैं कमाती, मैं रुपया कुछ भी करूँ, आग लगा दूँ, आपसे मतलब यू। हाँ।
जिसमें दो इंसान जिंदगी भर एक दूसरे के लिए एक दूसरे के साथ बंधे रहते हैं। जब कोई इस बंधन में बंधता है तो ऐसा लगता है सारे सपने सच हो गए हैं, सारी मुरादें पूरी हो गई हैं, जिंदगी का दामन खुशियों से भर गया है। मगर क्या ये सच है? हकीकत में ऐसा होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका सही जवाब आज तक कभी कहीं नहीं मिला। अगर दुनिया की आबादी को जोड़ों में तकसीम कर दिया जाए तो हर जोड़ा इस सवाल के जवाब में एक कहानी सुनाएगा और हर कहानी एक दूसरे से बिल्कुल अलग होगी। ऐसे ही जोड़ा हमें सुमन आचार्य और अजय शर्मा, हमारे लिए बंधन बहुत कमजोर साबित हुआ और 4 साल में ही टूट गया। मिस्टर एंड मिसेस अजय, मैं आप दोनों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि मेरे कहने से मेरे यहां आप लोगों ने अपनी शादीशुदा जिंदगी की आखिरी चाय पी। अब यहां से जाने के बाद पूरे 2 साल तक आप लोगों को अलग अलग रहना होगा और ये 2 साल की दूरी शादी नाम के रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगी। उसके बाद आप पूरी तरह आजाद होंगे कोई नया रिश्ता जोड़ने के लिए। आप मुझसे बार बार क्यों कह रहे हैं, इनसे कहिए ना। मैं आप दोनों से कह रहा हूं, रिश्ते तोड़ना बहुत आसान है लेकिन रिश्ते जोड़ना बहुत मुश्किल है। गुड बाय एवरीबॉडी। थैंक यू मिस्टर दुबे। बाय बाय। बाय। जिस इंसान ने जिंदगी भर साथ निभाने की कसमें खाई थी, वादे किए थे, उसका साथ कितनी जल्दी छूट गया। छूट गया या छोड़ दिया, क्या पता। छोड़ दिया या छूट गया, जो भी हुआ सदा के लिए अलग तो हो गए ना। सब कुछ खत्म हो गया, सिर्फ यादें बाकी रह गई। यही वो जिंदगी थी जिसके सपने इतने सुंदर थे। यही वो जिंदगी थी जिसके लिए मैं अक्सर डैडी से लड़ा करती थी, झगड़ा करती थी। यू स्काउंडल, यू रास्कल, अक्खा बाटली पी गया। तुम्हारा फादर का मां था, हमारे वास्ते आधा पाव भी नहीं रखा। गेट आउट। हे, डोंट शाउट, हम तुम्हारा लीगल हस्बैंड है, अंडरस्टैंड? वाइफ की तरह बात करो, नहीं तो हम मिस्टर अजय का मौका तुमको अपनी डाइवोर्स मारेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? तुमको क्या बोला? क्या शराब खोर? क्या करेगी? 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 क्या करे
Congratulations. अच्छा किया तुमने उस औरत को बाजू किया. Don't worry, man. हम तुम्हारा साथ है. साला इसको हम अभी डाइवर्स देगा. अब भी इससे वक्त ताबत तो. You free? I free. Okay? Excuse me, auntie. Please let me go in. No, auntie business. Come on, man. ओ मैडम मैं पहले ही परेशान हूँ. मैं थका हूँ. मेरे को अंदर जाने दीजिए. मैं रास्ते जाती आप. तुम्हारे रास्ते से हटकर हम किधर जाएगा मैम. No दारू, no money, no life. 10 रुपया मांगता हम तुमको छोड़ता. सब कुछ टूट गया, चूर चूर हो गया. आगाज कितना खूबसूरत था, अंजाम कितना दर्दनाक हुआ. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. वाई सर, कॉल मी कपूर, ओनली कपूर. वेलकम, मोस्ट बॉल लेडी, वेलकम. थैंक यू सर. कम ऑन. हेलो सुमन. हेलो. अच्छा किया तुमने, रोज रोज की बकवास से छुट्टी तो मिली. या हम दोनों को देखो, पूरे 12 साल हुए शादी हुए, लेकिन कोई गड़बड़ नहीं. वी आर द मोस्ट हैप्पी कपल. क्यों डालेंगे? सच, ये मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं और मैं भी इनका बड़ा ख्याल रखती हूँ. एग्जैक्टली. हम दोनों एक दूसरे के लिए है. देखो सुमन, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए मुझ जैसे किसी आदमी के साथ जो तुम्हें खुश रख सके. Don't worry, we will find out one. देखो डार्लिंग, आज शाम को पार्टी में सुमन भी साथ चलेगी. तुम दोनों तैयार है ना? मैं ठीक 8 बजे आऊंगा. ओके? आओ सुमन, ऊपर चले. सुमन, क्या वाकई में तुम ड्रिंक्स नहीं लोगी? नहीं, मैंने कभी नहीं पी. तो बियर पी लो, बियर तो लेडीज ड्रिंक है. नहीं, मैं नहीं पीऊंगी. आप पीजिए. हाय कन्हैया. हाय केके, तुम यहाँ कैसे? सुमन तुम इधर बैठो, मैं भी आई. आओ. लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के इस प्रोग्राम में डांस के जोड़े लकी चेयर्स पर लिखे हुए नाम के मुताबिक होंगे. किसी को एतराज है? नहीं, 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 नहीं. Good. Light it. Mr. Abbas and Mrs. Panna. Mr. Omi Behel and Mrs. Patra. Mr. Pandey and Mrs. Sinha. Mr. Dulal and Mrs. Vishwanath. We'll be right back.
वेरी फाइन। इतने लोगों की भीड़ में जरा मुश्किल था। आप अपनी मिसेस को वहीं छोड़ा शायद। मुझे मालूम था कि तुम घर पर ही होगी, तो फिर शांता का यहाँ होना ठीक तो नहीं। आपको मालूम है आपकी मिसेस? हम दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं, और उसे मालूम है कि मैं यहाँ क्यों आया। किस लिए यहाँ आए हैं आप? डोंट गेट एक्साइटेड। बात आम सी है, साधारण सी, बिल्कुल साधारण सी। तुमने मिस्टर अजय को डाइवर्स दिया, क्यों, किस लिए? इसलिए कि अब तुम किसी और के साथ रहना चाहती हो। वो दूसरा शख्स जब तक नहीं मिलता तब तक वाई नॉट मैं। व्हाट्स रॉन्ग? अपनी बीवी को डाइवोर्स देने वाले हैं आप? डाइवोर्स? क्या जरूरत है डाइवोर्स की? मैंने शांता को आजादी दी अपनी आजादी के बदले में। शी बॉन माइंड। लेकिन मुझको इतराज है मिस्टर कपूर, खुद को धोखा देकर आजादी मुझे पसंद नहीं, जाने दीजिए मुझको। डोंट बी ए बेबी, यू आर नाइस, यू आर सो ब्यूटीफुल। मिस्टर कपूर, टू मी दिस काउंटर सेक्स मैनी। जाते ही मामा जी को तार कर देना और बाकी पैसे तुम रख लेना। जी हाँ। क्या कर रही हो? गिर पड़ोगी। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इस डब्बे में हो, वरना तो मैं। और मुझे भी मालूम नहीं था कि तुम आने वाली हो, वरना मैं। पूरी और तरकारी तो देना भाई। कहा बासी पूरी भाजी?
अरे अजय, तुम बड़े दिनों के बाद मुलाकात हो रही है यार, कहो कैसे कट रही है? अरे तुमने तो मिस सुमन आचार्य से शादी कर ली थी ना? कैसे कट रही है? बढ़िया, बहुत बढ़िया। रियली? यानी कि वो अभी तक तुम्हारे साथ है? क्या मतलब है आपका? ओह वाह, वंडरफुल वंडरफुल। यार तुमने मुझे बताया नहीं ये तुम्हारे साथ है। सच मानो मुझे बेहद खुशी हो रही तुम दोनों को एक साथ देखकर। यू आर ग्रेट मिस, आई एम सॉरी, मिसेस सुमन अजय शर्मा। आप जीती मैं हारा, आपको याद है ना हमारा वो चैलेंज? बहुत अच्छी तरह याद है मुझे। एक बात बताऊं, मैंने भी शादी कर ली। अच्छा, कैसी है वो? आपको तो नफरत थी औरत जात से, तो शादी कैसे कर ली आपने? नफरत जरूर करता था, लेकिन अनुपमा को मिलने के बाद मुझे अपनी राय बदलनी पड़ी। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपको मर्दों के बारे में अपनी राय अजय से मिलने के बाद बदलनी पड़ी। वैसे मेरी मैरिड लाइफ तो इतनी परफेक्ट और हैप्पी है कि पूछिए मत। ओफ मेरी बीवी। वैसे आप लोगों का क्या हाल है? जाहिर है खुश होंगे, सुखी होंगे, वरना साथ क्यों होते? अच्छा मैं जरा मुंह हाथ धो के आता हूं। ये माशा कहां से आ गए? मैं क्या जानूं? तुम टरका नहीं सकते इन्हें। मैं क्यों टरकाऊं? किस लिए टरकाऊं? वो मेरा दुश्मन है क्या? तुम्हें नहीं शकी मारी थी उसके सामने? फिक्र करो अपने चैलेंज की। ठीक है, कुछ ही घंटों की बात है, जब तक ये माशा साथ है तुम सब कुछ छुपा कर नहीं रह सकते हो। क्या मतलब? What do you mean? मतलब ये कि जब तक चिपकू साठ लगा हुआ है तुम लोग मियां बीवी तय नहीं रह सकते सुखी और खुश। तुम्हारे चैलेंज के खातिर ना? हाँ हाँ, मेरे चैलेंज के खातिर। अरे भाई कहाँ जा रहे हो तुम लोग? भैया हम लोग सुहागपुर जा रहे हैं। फाइन, उसी जगह जा रोमांस हुआ था। अरे भाई मेरी बीवी तो कहती है कि लव मैरिज इज द बेस्ट मैरिज। और भैया हमारी बीवी कहती है कि मैरिड लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। वंडरफुल। अरे भाई क्या बीवियां पाई हम दोनों ने यार। ओफ मेरी बीवी। Bye.
प्लीज मैडम टिकट। ओ क्यों जी, मैं टिकट क्यों देते इनको? तुम्हारा टिकट? जी हाँ, मेरा टिकट। दो टिकट ड्रेसिंग टेबल पर रखे हुए थे, जरूर तुम एक भूल आया एक उठा लाए हो। हाँ हाँ हाँ, शायद ऐसे ही हुआ होगा। ओफ मेरी बीवी, पता नहीं कहाँ रख दिया है मेरा टिकट। हर काम खुद अपने हाथों से करेगी और मुझे मुसीबत में डालेगी। बताइए अभी कहाँ ढूंढूं मैं टिकट। देखिए जेब में रखा हुआ था, लीजिए। मेरी बीवी। देवी जी आप टिकट के पैसे दीजिए। पैसे? क्यों जी, तुमने पर्स ही भूला है क्या? अरे हाँ, तुम्हारा भूला है लेकिन अपना ले आया। लीजिए टीटी साहब। मामा जी को मालूम हुआ होगा कि तलाक ले ली हम लोगों ने तो बहुत खुश हुए होंगे, मुझे लेने जरूर आएंगे, तुमको देख के फिर भड़क उठेंगे। तो फिर मैं क्या करूं? तुम यहां उतर जाओ ना, मैं चली जाऊं तो। और वो तुम्हारे चैलेंज वाला? अभी वो बाथरूम में है, तुम चली जाओ ना। तुमने आज तक मेरी कोई बात नहीं मानी और मैं तलाक के बाद भी उसको तलाक दे रहे हो भाई? सुमन जी को तलाक मुझे क्यों देंगे? तलाक तुम दो अपनी बीवी को। मेरी बीवी? ओह सुमन जी क्या कह रही हैं आप, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हर जन्म में यही बीवी हो मेरी। कहाँ जा रहे हो भाई? भाई मैं तो वो अपने वो पानी लेने जा रहे हैं, और कहाँ जाएंगे? पानी पानी लेने जा रहा हूँ।
अरे अजय कमाल करते हो यार तुम, आजकल की ट्रेनों का भरोसा नहीं है। जल्दी जल्दी चलो, छूट जाएगी और यहीं रह जाओगे तुम प्लेटफॉर्म पे। चलो अरे भाई दौड़ो, जल्दी जल्दी दौड़ो, छूट जाएगी ना तो गाड़ी। कमाल करते हो यार, पागल हो तुम, अगर रह गए होते तो। जागृत नारियों और नारी जागरण के प्रति श्रद्धा रखने वाली महिलाओं, नारी जागरण समिति का मनोनीत अध्यक्ष होने के नाते मैं आज आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह आज हम वास्तव में किस कारण उपस्थित हुए हैं। संक्षेप में मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरी भांजी श्रीमती सुमन अजय शर्मा के स्वागत के लिए आज का ये कार्यक्रम क्यों आयोजित किया गया है। परित्याग अथवा तलाक अथवा आंग्ल भाषा में डाइवोर्स देने का अधिकार पूर्व काल में केवल पुरुषों का ही था, किंतु वर्तमान काल में आजकल जागृत नारियों ने भी यह अधिकार प्राप्त कर लिया है। अर्थात मेरी भांजी सुमन ने अपने पति का परित्याग कर दिया। बस 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 बस, अब तालियों की आवश्यकता नहीं है, गाड़ी का आगमन हो रहा है। संक्षिप्त में आप लोगों को आज का कार्यक्रम अब अच्छी तरह से स्मरण है तो? अच्छा तो ठीक है, आज का क्या क्या करना है आप सबको स्मरण है। अच्छा बैंड बाजको और संगीत आरंभ करो। संभाल लेना चिपकू के सामने, मामा जरूर मुझे लेने के लिए आएंगे। अरे लगता है कोई लीडर आ रहा है यहाँ पर, काफी औरतें और बैंड बाजा जमा हुआ है। आइए आइए। अब रुक क्यों गई, चलती क्यों नहीं? देखती नहीं, मामा जी खड़े हैं। मामा जी तो अब क्या करें, मैं यही ठहरता हूँ, तुम चलो। अरे भाई तुम लोग रुक क्यों गए, चलते क्यों नहीं? अरे मिस्टर अशोक। हाय मिस्टर रॉबर्ट। मेरे पैर में मोच आ गया, मैं इतनी दूर आ नहीं सकता। अबे मैं दो मिनट में आता हूँ। आई ड्रॉप यू। वन मिनट प्लीज। जल्दी चलो, मौका अच्छा है, देखो मामा जी आ रहे हैं। व्हाट अबाउट माय बंगला? भाई मैंने आपसे पहले भी कहा है कुछ पैसे वैसे जमा कीजिए तो फिर। पैसे? पैसे मैंने जमा कर लिए। कितने किए आपने? 10,000। 10,000? भाई 10,000 में तो आजकल झोपड़ा भी नहीं बनता है। नहीं होगा। अजय प्लीज। भाई रुको यार, मैं आ रहा हूँ। मैं और जमा कर लूंगा, मेरी वही लड़की से शादी हो रही है। दिस इज माई फोर्थ मैरिज एंड आवर सिक्स्थ मैरिज। वही लड़की से सुलह हो गया। जल्दी जल्दी बंगला बना दीजिए, मैं उसको शादी करके लेके आऊंगा, फिर दोनों साथ रहेंगे। अच्छा, वही लड़की से आप तो जानती हैं। आप मुझे फोन कीजिए। फोन करूंगा हाँ, तो आप जल्दी जल्दी बना दीजिए, मैं आपको फोन करूंगा। गॉड ब्लेस यू। तुम आ गई, किंतु ये अत्याचारी नर तुम्हारे साथ क्यों, ये कैसे आ गया? कौन है आप? मुझे नहीं पहचानती, अपने मामा को नहीं पहचानती। मैं पंडित जगाशंकर भोलेनाथ साहित्य अलंकार, संक्षिप्त में तुम्हारा मामा। मैं नहीं जानती आपको। आश्चर्य है, अपने मामा को नहीं। पीछे पड़ गए हैं आप, जो पीछे पड़ गए। दुष्ट मानव क्यों मान रहा? देखिए सुमन, मैं तुम्हारा मामा, नारी जागरण समिति का अध्यक्ष। तुम्हारे स्वागत के लिए हम सब आए हैं। चलो बेटी, चलो घर चलो। ये मेरी पत्नी है जी। हमारी पत्नी है जी। आज तक ऐसा नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ।
इतना उपहास किया मेरा, फिर भी सुमन नहीं आए। हे भगवान, विचित्र लीला है तेरी। ये अद्भुत माया, विचित्र लीला सुन सुन कर मेरे कान पर गए। आगे तक कहो क्या हुआ? अरे क्या कहूँ, मेरी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मत मारी गई। वो तो मुझे मालूम है तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ये तो बताओ सुमन क्यों नहीं है? वही तो बता रहा हूँ, सुमन द्वारा भेजा हुआ तार प्राप्त होने के बाद मैंने नारी जागरण समिति की नारियों को एकत्रित किया, बैंड वादकों के सहित सुमन के स्वागत का आयोजन किया। संक्षिप्त में, सुमन को लेने के लिए मैं कहाँ पहुँचा कुछ पता है? पता है पता है, अंग्रेजी में स्टेशन पहुँचे। अरे फिर क्या हुआ बोलो तो सही। ए नारी, वही तो बता रहा हूँ संचित में। हे भगवान, जब से तुम संचित में बता रहे हो, तुम्हारा ये संचित अब कितना लंबा होगा? नहीं, अब विस्तार पूर्वक नहीं कहूँगा, बिल्कुल संचित में बता। नहीं, मुझे संचित में नहीं सुनना है, सारी बातें एक एक करके मुझे समझाओ तो समझूंगी। संचित में नहीं सुनना है। संचित में बताइए, संचित में सुनना है। घोर अनर्थ, दारुण कष्ट। वास्तव में सुमन ने मुझे पहचाना ही नहीं, बिल्कुल नट गई, मुकर गई। अच्छा, संक्षिप्त में वो मुझे देखकर मूर्छित हो गई। हाय राम, सच्ची कह रहे हो? 100% सत्य। अच्छा ये तो बताओ, क्या मुझ में इतना परिवर्तन हुआ है कि देखकर मूर्छा आ जाए? अरे बदले होगा तुम्हारे दुश्मन, तुम तो वैसा ही हो। भला तुम्हें सुमन क्यों नहीं पहचानेगी? तुम्हें से भूल हुई है, तुमने सुमन देखी किसी और को देखा होगा। अरे यही तो मैं विस्तार पूर्वक तुमसे कहता हूँ और तुम संचित से सुनती ही नहीं। पता नहीं इस वक्त सुमन कहाँ होगी, कहीं वो मानव पुत्र अजय फिर से भगा न ले गया। अजय, यार अजब आदमी हो तुम, कहाँ चले गए थे? मैं तो वहीं था, जरा परेशान हो गया था। यार वो पंडित कौन था? बड़ा बोर था। वो भगवान जाने। सुमन कहाँ है? सुमन मालूम नहीं। मालूम नहीं? अरे यार मैं तुम्हारी बीवी के बारे में पूछ रहा हूँ, सुमन के बारे में। ओ सुमन। हाँ? सुमन पता नहीं। पता नहीं? हाँ। अजीब क्लासिक आदमी हो यार, बीवी के बारे में पता नहीं, गड़बड़ क्या है, बताते क्यों नहीं? अरे भाई वहाँ भीड़ में छोड़कर मैं स्टेशन से बाहर बर्फ लाने के लिए गया। हाँ? और जब बर्फ लेकर वापस लौटा तो वहाँ पे नहीं थी, पता नहीं कहाँ चली गई। और अभी तक पता नहीं चला? बहुत ढूंढा यार लेकिन मिली नहीं। फिक्र की कोई बात नहीं। लो, बीवी खो गई और फिक्र की कोई बात नहीं। अरे मेरी बीवी होती मैं जमीन आसमान एक कर देता यार। अरे भाई वो किसी सहेली के यहाँ चली गई होगी या फिर वो कहीं सहेली के यहाँ। बाकी सब होटल बस ये एक बाजार, इसमें मैं बहुत अच्छी पहचान है, अगर वो यहाँ होंगी तो जरूर मिल जाएगी। पुलिस पुलिस कहाँ? चलिए पुलिस स्टेशन। क्यों क्यों क्यों? अरे भाई सब जगह तलाश कर लिया, आपकी बीवी का पता नहीं लगा है, अब पुलिस स्टेशन बचा है, चलो वहां भी चल के देख लेते। नहीं नहीं नहीं, पुलिस के बीच में आने की जरूरत नहीं है। किसके बीच? क्योंकि उसके यहाँ पे बहुत सी सहेली है ना, वो किसी के यहाँ जाके ठहर गई होगी। अब फिक्र की कोई बात नहीं है, खुद आ जाएगी। श्योर? श्योर? यस श्योर। ओ मेरी बीवी भी यही कहती है कि ढूंढने वाले को तो भगवान भी मिल जाता है, और तुम्हारी सुमन कैसे नहीं मिलेगी? तुम्हारी बीवी जरूर मिलेगी। गुड नाइट, स्लीप साइड। मैं तो चाबी लेकर आया, लेकिन आप यहाँ कहाँ से टपक पड़ी? टपकी होगी तुम, ये कमरा मेरा है। जी नहीं महारानी साहिबा, ये कमरा मेरा, ये रही चाबी। तो क्या ये तुम्हारे मौसी के घर की चाबी है? ये जबान दराजी बंद करो, तशरीफ ले जाओ यहाँ से, शहर में बहुत से होटल होंगे। जरूर होंगे, रिक्शा मंगवाओ। नहीं जाओगे तुम? नहीं नहीं नहीं, ये हुक्म किस पे चला रही हो? चलाऊंगी चलाऊंगी, जरूर चलाऊंगी, ये कमरा मेरा है, तुम आए कैसे बिना इजाजत? इजाजत? मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो मेरी बीवी वाले बोर्ड पे जाकर पूछो ये कमरा किसका है। अच्छा तो चिपकू तुम्हारे साथ था? हे भगवान,
तुम क्यों मेरे पीछे लगे हुए हो? मैं तुम्हारे पीछे लगाऊं? मैं तुम्हारे पीछे लगाऊं? तुमने मुझसे कहा था कि उस मेरी बीवी वाले से सच को छुपा के रखूं। अगर मैं उसको सच बता देता तो तुम्हारी इंसल्ट हो जाती, वो तुम्हारे बारे में न जाने क्या क्या सोचता। अब तुमने ये नहीं कहा था कि उसे झूठे रिश्ते को फॉल्स रिलेशन को? मैंने ही कहा था सर, मैंने ही किया था, मैं ही बुरी हूं, मैं चली जाती हूं। आप? जी हाँ, मुझे पहले ही मालूम था मिस्टर अजय अंदर गए तो आप जरूर निकलेंगी। जी ओफ, मेरी बीवी भी ऐसी हरकतें करती है, जरा जरा सी बात पर तुलक जाती है। ये रूठना, मनाना, मानकर फिर रूठ जाना, इन दोनों के हमने एडजस्टमेंट कर लिए। और घर छोड़कर जाना उसके 4 कदम और मेरे 10, और अगर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा है तो 2 और। आप होते कौन हैं दोनों के झगड़े में पड़ने वाले? डेफिनेटली कोई नहीं, मेरी बीवी भी पसंद नहीं करती कि हमारे आपस के झगड़े में कोई आए, इसलिए हमने एडजस्टमेंट कर लिए। आप भी एडजस्टमेंट कर लीजिए, कोई बीच में नहीं आएगा। और अगर एडजस्टमेंट नहीं हो पाती है तो फिर से शादी कर लीजिए। जी क्या कह रहे हैं आप? जी मैं कह रहा हूँ कि आपने जब शादी की होगी तो शुरू शुरू में कुछ मैंने एक दूसरे से बहुत प्यार किया होगा ना, तो फिर ऐसा कीजिए, समझ लीजिए आपकी शादी हुई नहीं, और फिर से कर लीजिए। जी कुछ महीने तो आराम से गुजरेंगे ना। जी मुझे कुछ नहीं करना है, आप मेरा रास्ता छोड़ दीजिए। देवी जी, विल यू प्लीज गेट इन? आई सेड गेट इनसाइड। बाइबल में लिखा है औरत मर्द की पसली से पैदा हुई थी, गोया औरत मर्द के जिस्म का एक हिस्सा है, गोया दो जिस्म एक जान, दो जान एक जिस्म। आप लोग पढ़े लिखे हैं, मैच्योर हैं, एक लेक्चरर है, दूसरी सेक्रेटरी है, आप लोग दुनिया को भाषण देते हैं, दुनिया के उलझने सुलझाते हैं और अपनी उलझने बढ़ाते जाते हैं। वाह भाई वाह। मुझे ये बताइए, औरत मर्द से और मर्द औरत से भाग कर जाएगा का? तुम नहीं तो कोई और, मगर साथी तो चाहिए ना, और जब एक साथी के साथ नहीं निभा सके तो क्या गारंटी है कि दूसरे के साथ निभ जाए? बात तो वही की वही रही ना। ओफ, और मेरी बीवी, उसका कहना है कि शादी तो सिर्फ एक बहाना है, औरत मर्द को साथ रहने के लिए हमारी सोसाइटी का दिया हुआ एक परवाना है, लेकिन असल में पति पत्नी का रिश्ता एक असीम विश्वास और प्यार का रिश्ता है, जो एक रेशम के बारीक धागे के समान है, जिसमें अगर कहीं गिठा पड़ गई खुल नहीं सकती, उसे काटना पड़ता है। गिठा ना पड़े इसका बड़ा आसान तरीका है, इस तू तू मैं को मिलाकर एक हम क्यों नहीं बना देते, सब क्लेश मिट जाएंगे। ट्राई कर लो, हम कहकर गाली दो, हम कहकर ताना दो, हम कहकर तोहमत लगाओ, बजाय ये कहने के तुमने ये किया तुमने वो किया, कहो हमने ये किया हमने वो किया। हम, समझ में आया? हम नहीं तो एक दिन मैं मेरी बीवी के पास ले जाऊंगा, वो ज्यादा अच्छी तरह समझाती है। नाउ ऑल टुगेदर गुड नाइट बोलो। गुड नाइट। दैट्स बेटर। गुड नाइट। सुन लिया तुमने? तुमने सुना? तुमने अगर कुछ एडजस्टमेंट कर लिए होते, मेरी कुछ बातें मान ली होती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। मेरे तो जैसे हर बात मानती थी तुम। तुम्हारी कौन सी बात नहीं मानी मैंने? लेकिन तुमको तो मेरी कोई बात पसंद नहीं थी, हर बात से तुमको नफरत थी। मेरे ऑफिस में काम करना, मेरे साथ काम करने वाले, मेरी सहेलियां, मेरे शौक, मेरी आदतें, तुम्हें कुछ पसंद नहीं था। हर काम में, हर बात में, हर वक्त तुमने मुझे दोषी ठहराया। आराम फरमाइए। सुमन, मैं जा रहा हूं। हम दोनों यही चाहते थे ना कि तुम मेरी जिंदगी से और मैं तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊं, मगर शायद कुदरत को, किस्मत को और उस मेरी बीवी वाले को मंजूर नहीं, इसलिए अलग होकर भी हम लोग अलग नहीं हो पाए। सुमन, क्या सचमुच हम लोग एक दूसरे को खो देना चाहते हैं? मुझे तो शक होने लगा है, तुम्हारा पता नहीं।
बहरहाल मैं जा रहा हूं, लौट कर नहीं आऊंगा। यहां आकर खुशी भी हुई और तकलीफ भी। इस शहर का हर कोना हमारे प्यार से वाकिफ था ना, जो एक्सप्रेशन लोगों के चेहरों पर बर्दाश्त नहीं कर सके, जिसके लिए इतना बड़ा झूठ बोला, वही एक्सप्रेशन इस शहर के हर रास्ते पर, हर पेड़ पर, हर दीवार पर था। देखा या नहीं तुमने, यहाँ की हर चीज तुम्हें मेरी याद दिलाएगी। भूल जाना मुझे, क्योंकि मैं लौट कर नहीं आऊंगा। अच्छा तो बता रहा हूँ, सुमन का पता लगाने से कोई लाभ नहीं है। अच्छे भले आदमी हो, तुम कहते हो कि वो लड़की निश्चित रूप से सुमन थी, किंतु उसके साथ उसका पति वो मानव पुत्र अजय भी था। अरे तो क्या हुआ, अजय ही था ना, कोई दूसरा तो नहीं। अरे शादी के बाद से मैंने उन दोनों को देखा नहीं, मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं उन्हें देखूं। तुम जाओ, अकेली ना आए तो अजय के साथ लेकर आओ, वरना मुझे ले चलो। अरे इतना क्यों नहीं सोचते कि अगर सुमन मेरी बेटी होती, अपनी मर्जी से तरह शादी कर लेती, तो क्या अपने घर में उसे लेकर नहीं आते? बात करते हो। ले आता, अवश्य ले आता, किंतु उसका कुछ पता तो चले। संचित ने मैं उसे ढूंढ ढूंढ कर हताश निराश हो गया। सुनो, तुम कह रहे थे ना कि सुमन के साथ अजय भी है, तो उस बाग में जरूर घूमने आएंगे जहाँ पहले आया करते थे। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। अरे सुमन तुम्हें नहीं पहचानेगी, लेकिन मुझे तो जरूर पहचानेगी। अर्थात संक्षिप्त में इस वृद्धावस्था में तुम उपवन विहार करोगी। ठीक है चलो। वृद्धा कुमार तुम्हारा बाप। यादें, 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 कुछ भी तो नहीं रहा यादों के सिवा जिंदगी में। माजी की किताब के हर सफे पर सुमन है। जाऊं तो कहां? ये दो नाम जिस दिन एक दूसरे से जुड़े थे, कितना सुहाना दिन था वो। जिंदगी की खुशियां और सुख बीते हुए दिनों में क्यों दब जाते हैं, सदा साथ क्यों नहीं रहते? लगता है कल ही की बात है जब हम दोनों दो आजाद पंछियों की तरह इसी बाग में लताया करते थे। देख लो, अपने नेत्रों से देख लो, यही सुमन है कि नहीं? इसी ने मुझे पहचाना नहीं था, यही मुझे देखकर मूर्छित हो गई थी, जैसे मैं कोई मानव पुत्र नहीं वरन कोई विचित्र जीव हूँ।
इसी ने मुझे तार द्वारा सूचित किया था कि अपने पति का परित्याग कर रविवार दिनांक 15 को उपस्थित हो रही है। इसीलिए मैंने इतना बड़ा आयोजन किया था इसके स्वागत समारोह के लिए, नहीं तो क्या कोई विक्षिप्त कुकुर ने मुझे काटा था ये इतने बड़े नारी समूह को लेकर मैं वहां पहुंचता? इतना बड़ा अपमान, इतना बड़ा उपहास, बोलो मौन क्यों हो? आंग्ल भाषा में why don't you reply? I say why don't you say something? देखिए मैं, अरे पंडित जी कहिए क्या कष्ट है? देख लो ये विचित्र मानव पुत्र भी उस दिन उपस्थित थे। पंडित जी विचित्र मानव पुत्र तो आप नजर आ रहे हैं मुझे। क्या देखिए ना, कब से मुझे रोक रखा है इन्होंने, जाने ही नहीं देते। अरे तुम मेरी भांजी नहीं हो? देखिए आपकी भांजी कोई और होंगी, ये मिसेस सुमन। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ संक्षिप्त में। देखिए पंडित संक्षिप्त में, आपकी भांजी ये नहीं है, ये मिसेस सुमन अजय शर्मा है। बिल्कुल सत्य, यही तो मैं कह रहा हूँ संक्षिप्त में, ये मेरी भांजी सुमन है, इसने अपने पति का परित्याग कर दिया। परित्याग? हाँ संक्षिप्त में सम्म वैधानिक रीति से। अरे भाई किसने परित्याग कर दिया, क्यों आप लोग तंग कर रहे हैं? तंग कर रहे हैं क्या? आप सब मिलके मुझे मूर्ख बना रहे हैं। देखिए पंडित संक्षिप्त जी, आप अपने मस्तिष्क का इलाज करा लीजिए किसी साइको एनालिस्ट से। क्या कहा आंग्ल भाषा में? आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। चलो चलो हो गए यार, तुम भी अपनी बीवी को ऐसे अकेले छोड़ देते हो यार। मेरी बीवी होती मैं कभी अकेला नहीं छोड़ता। हमारे वो भी एक पंडित जी झगड़ा तोड़ जवान होता है, संक्षिप्त में सत्य है। मेरी बीवी को यहाँ का ये रेस्टोरेंट बहुत पसंद है, यहीं पर हम लोग बैठकर कोकोला पिया करते थे और टिंकू ऑरेंज पीती थी। टिंकू कौन है? मेरी बच्ची, बिल्कुल मेरी बीवी जैसी है, वैसी आदतें, वैसी आवाज, उतनी खूबसूरत, उतनी ही प्यारी। उफ, आई लव देम सो मच। तुम बहुत लकी हो अशोक, जो इतनी अच्छी बीवी मिली तुम। और तुम्हारी बीवी बहुत लकी है अशोक, जो तुम्हारे जैसा लविंग और समझदार पति मिला। यू आर वेरी काइंड। ओ हेलो मिसेस, ओ आई एम सॉरी आई रिमेम्बर, मिस सावित्री महालिंगम जी। ओ नो यू आर रॉन्ग अगेन, मिसेस सावित्री रॉय चौधरी। ओ डार्लिंग मीट मिस्टर अशोक, ये अच्छे इंजीनियर हैं। हाउ डू यू डू, मीट माय फ्रेंड मिस्टर अजय शर्मा, इनकी मिसेस सुमन शर्मा, एंड आप हैं मिस्टर मिसेस रॉय चौधरी। आप लोग बैठे ना प्लीज। जी नहीं शुक्रिया, पिछली बार पार्टी में क्यों नहीं आए? पिछली बार? हाँ। ओ आई एम वेरी सॉरी, रियली मैं बुरी तरह फंस गया था। तो फिर अब तो आएंगे ना आप? कहाँ? कल हमारी शादी का रिसेप्शन है, यहीं पर, जरूर आना। श्योर, एब्सोल्युटली श्योर। अब तो नहीं फंसेंगे ना आप? नहीं नहीं। कहीं और? नहीं नहीं नहीं, एब्सोल्युटली। आप लोग भी जरूर आना। अच्छा डार्लिंग, से गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। अच्छा बाय, सी यू टुमारो। बाय बाय। चमचा यार, ये नमूना क्या है? धुरंधर महिला है, सचमुच आजकल के जमाने की सती सावित्री है। क्या मतलब? मतलब ये कि हर साल इनका सरनेम बदलता है लेकिन नाम वही का वही रहता है। क्या? मैं सच कह रहा हूँ, हर बार जब मैं इनसे मिलता हूँ तो इसी तरह का कोई एक नया पति इनके साथ होता है, और हर पति के लिए ये मंदिर जाती है, पूजा करती है और दान मांगती है। बेचारी क्यों? बहुतों से बहुत अच्छी है, वो जो कुछ करती है छुपाती नहीं, शादी करती है, तलाक देती है, फिर शादी करती है, तो क्या हुआ? कई लोग तो शादी का कोरा सर्टिफिकेट लेकर उसकी आड़ में न जाने क्या क्या करते हैं। मिसेस सावित्री जो कुछ भी करती है बोल्डली करती है, इसलिए शायद आप लोगों को बेचारी लगती है। भाई आप लोगों के साथ घूमने में तो बड़ा मजा आ गया, पता नहीं आप लोगों को मजा आया कि नहीं, लेकिन मेरी बीवी को मेरे साथ घूमने में बड़ा मजा आता है। अच्छा आप लोग अभी जाके सो जाइए, मैं सुबह आप दोनों को देखना चाहता हूँ टुगेदर। दोनों गुड नाइट कहिए टुगेदर। गुड नाइट। गुड नाइट। सी यू इन द मॉर्निंग। अच्छा भाई मेरा कोई फोन आएगा मैं आधे घंटे बाद आऊंगा। ओके राइट। तुम तो यहाँ से चले जाने वाले थे ना, फिर वहाँ क्यों आ गए? शुक्र करो मैं वहाँ पर था, वरना वो चिपकूलाल मुझे ढूंढने के चक्कर में तुमको वो परेशान करता कि पूछो मत। आखिरी चिपकूलाल है कौन जिसका इतना डर है? सास साहब कहते क्यों नहीं कि हम दोनों पति पत्नी नहीं है, हम दोनों ने तलाक ले ली है। मैं क्यों कहूँ, वाई डोंट यू से, तुम क्यों नहीं कहती?
तुम नहीं कह पाओगी, कभी नहीं कह पाओगी। क्यों? क्योंकि तुम हिपोक्रेट हो, बुजदिल हो। तुम्हारे बाहर और भीतर बहुत फर्क है मैडम। तुम मुझसे रिश्ता तो तोड़ना चाहती हो, लेकिन तुम ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि लोग तुम्हारे ऊपर उंगलियां उठाएं। तुम ये तो समझती हो कि तुम गलती पर हो, लेकिन मानोगी नहीं, ना अपने सामने ना मेरे सामने। बिल्ली है ना, पीठ नहीं लगने देगी बस। मिस्टर अजय, मिसेज अजय, इन कॉम्प्लेक्सेस और फॉल्स वैल्यूज में कब तक उलझी रहोगी? एडजस्टमेंट अभी भी हो सकती है, हार मान लो तो। हार मान लो तो? मैं क्यों हार मान लूं? हार माने मेरी जूती। तुम तो यहाँ से जाओगे नहीं, मैं ही चली जाती हूँ अभी इसी वक्त। और गलती मेरी नहीं तुम्हारी है। हिपोक्रेट मैं नहीं तुम हो, बुजदिल मैं नहीं तुम हो, तुम हो तुम हो। तुम क्यों मेरे पीछे आ रहे हो? रात काफी हो चुकी है, कहाँ जाओगे इस वक्त? जहन्नुम में। तुमसे मतलब? इस वक्त तुम्हारा जाना ठीक नहीं, मैं चला जाता हूँ। मैं चला जाता हूँ मना करके फिर से वापस आने के लिए? मैं ही जाऊंगी, अभी जाऊंगी, इसी बात जाऊंगी। तुम्हें पीछा मत करना, कह देती हूँ, समझे? मेरे होते कौन है? तलाक दिया फिर भी जान नहीं छोड़ते। मैं कहती मैं पीछा मत करो, मैं तुम्हारे साथ होटल वापस नहीं जाऊंगी, हरगिज नहीं जाऊंगी। आखिर चाहते क्या हो तुम? कौन हो तुम? जो तुम समझती थी। क्या मतलब? मेरा मतलब, मेरा मकसद, मेरी नियत सब तुम समझती हो, वरना इतनी डरी हुई नहीं होती तुम। चलो मेरे साथ। मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। हाँ। छोड़ दो मेरा हाथ। छुड़ा लो। औरत का केयरटेकर उसका हस्बैंड होता है, उसे तो तुम वहां छोड़ आई हो। हू आर यू एक्सपेक्टिंग? है गुड नाइट बेबी, गुड नाइट। और मैं तो समझा, मैंने कहा था इतनी रात को मत जाओ, मगर मेरी बात कहां मानोगे तुम? चलो कहां जाना है मैं छोड़ देता हूं, चलो। बोलो कहाँ जाना है मैं छोड़ दूंगा, बोलो भाई कहाँ जाना है अब, बोलो। होटल चलो। Thank you.
सुनिए कंबल उठा लीजिए, कहा ना कंबल उठा लीजिए, सुनाई नहीं देता क्या? चीखते क्यों हो? कंबल उठाने का मतलब ये नहीं कि मैंने अपनी राय बदल दी है, कि मुझे तुम पर प्यार आने लगा है। क्यों हर वक्त जलीकटी सुनाती रहती हो? सो जाओ ना जाकर। हाँ, चुपती है ना मेरी बातें, सच है इसलिए। तुम्हारी बकबक और उस मेरी पीवी वाले जोरू के गुलाम की बातें सुनकर तो मेरा दिमाग पक गया है। जोरू का गुलाम? जी वो जोरू का गुलाम नहीं तो और क्या है, जब देखो उफ मेरी बीवी, उफ मेरी बीवी। जी हाँ बिल्कुल सही है, तुम जैसे अकलमंदों को वो शरीफ और भले इंसान जो अपनी बीवियों की कदर करते हैं गुलाम ही लगेंगे, जाहिल नजर आएंगे। काश जोरू के गुलाम और आदर्श पति में फर्क समझने की अक्ल भगवान ने दी होती तुमको। किसको? हम कह रहे हैं पैसा मेरे को मिल जाएगा। निकाल मेरे रोज रोज पैसे कहाँ से लाओ? हमके पैसा नहीं चाहिए, पैसा हमके निकाल निकाल पैसा। देख लिया, बड़ी खुशी हुई होगी देखकर। वो जाहिल है, हाथों से मारते हैं। तुम पढ़े लिखे हो, बातों से मारते हो। कल बात मार तो नहीं लगी क्या मैम साहब? वो कल रात को वो तो हर रात की बात है मैम साहब, रात को जरा चीख चिल्ला लेता है और सवेरे 10 गुनी खुशामद करता है, सब कुछ तो करता है मेरे लिए, और फिर जरा दारू पीकर मार भी दिया तो क्या, आखिर मर्द तो मेरा है। ये फूल पसंद है आपको मैम साहब? सब कुछ तो करता है मेरे लिए और फिर जरा दारू पीकर मार भी दिया तो क्या, आखिर मर्द तो मेरा है। वो मैडम आपकी कौन है? दरअसल इंस्पेक्टर वो मेरी, मैं आपको समझा रहा हूँ, संचित ने, मैं उसका मामा। मैं आपके बारे में नहीं इनके रिश्ते की बात पूछ रहा हूँ। जी हाँ मैं तो वही बता रहा हूँ, जब वो बालिका से किशोरी, किशोरी से युवती बनी, तब इस मानव पुत्र की अचानक प्रकृति पर पड़ी। मुझे तो तनिक आभास तक नहीं मिला कि मेरी भांजी पर कामदेव का आक्रमण हो चुका है, इसके प्रणय तीर से वो आहत हो चुकी है। संचित में पता चला कि मेरी भांजी सुमन से इसने गंधर्व विवाह कर लिया। अधिकारी जी, गंधर्व विवाह यानी कि आंग्ल भाषा में लव मैरिज। आप चुप रहेंगे या मैं तहकीकात बंद कर दूं? जी नहीं, 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 आप आरंभ कीजिए, मैंने तो संचित में ऐसे ही एक निवेदन किया था। प्लीज मिस्टर पंडित जटाशंकर भोलेनाथ साहित्य अलंकार, कदाचित मेरा नाम लेने में आपको कष्ट न हो इसलिए स्वयं ही मैंने अपना नाम कह दिया। अच्छा आप पूछिए पूछिए। वो मेरी पत्नी है, मिसेस सुमन अजय शर्मा, बी ए ऑनर्स। क्या आप लोग शादीशुदा हैं? कैन नॉट। वो इनकी कोई रिश्तेदार है? अधिकारी जी मेरा पूरा। देखिए आप मुझे अपना काम करने देंगे या नहीं? मैं आप ही के प्रश्न का तो उत्तर दे रहा हूँ, मेरी भांजी सुमन ने स्टेशन पर मुझे ही नहीं पहचाना, संपूर्ण नट गई। अजीब बात है, आप लोग मिस्टर अजय और मिसेस सुमन शर्मा हैं, पर वो नहीं जो ये कह रहे हैं, तो आखिर आप लोग हैं कौन? मिस्टर एंड मिसेस अजय सुमन शर्मा, एमए। संपूर्ण मिथ्या, सरासर झूठ है, मेरी भांजी सुमन अब इसकी विवाहित धर्म पत्नी नहीं है। मैं कह रहा हूँ, मैं नारी जागरण समिति का मनोनीत अध्यक्ष, इसने उसे अपने चंगुल में फंसा कर रखा है। झूठ है, इट्स ऑल लाई। मैं तो पहचानता नहीं, ये है कौन? लेकिन मिस्टर शर्मा इसका क्या सबूत है कि आप वाकई में मियां बीवी हैं? क्या मतलब? मतलब साफ है, मुझे सबूत चाहिए। इंस्पेक्टर क्या आप हर मियां बीवी से ये पूछते रहते हैं कि वो वाकई में मियां बीवी है या नहीं? जी नहीं, लेकिन अगर किसी के बारे में रिपोर्ट की जाए तो सबूत मांगना ही पड़ता है। ठीक है तो आप ये साबित कीजिए सुमन मेरी पत्नी नहीं है। कोई जरूरी नहीं कि मैं ये साबित करूं, आपको इसका सबूत देना होगा कि वो आपकी बीवी है, नहीं तो मुझे अफसोस के साथ आपको पुलिस स्टेशन ले जाना पड़ेगा। What? ये रहा सबूत, हमारा मैरिज सर्टिफिकेट। सुमन ये देखा आपने,
ये क्या है? परंतु वास्तव में मैं इसका मामा हूँ, ये सत्य है। सच में अगर आप हमारे मामा होते तो पुलिस को लेकर यहाँ आते? कोई मामा ऐसा करेगा जैसा आपने किया? इंस्पेक्टर, मैं नहीं जानती ये कौन है। अच्छा चलो चलो। ये मेरी भांजी नहीं, अर्थात मैं इसका मामा नहीं, अनर्थ, घोर अनर्थ। अशोक बाबू आप जा रहे हैं क्या? खाना खा के जाइए ना। अरे नहीं भाई, बात यह है कि आज मेरी बीवी का जन्मदिन है और हमारी शादी की सालगिरह है। अच्छा अच्छा, तो आप घर जा रहे हैं क्या? तो फिर भाभी यहाँ पर आई हुई? अरे नहीं भाई। तो फिर ये जन्मदिन, ये सालगिरह कहाँ और किसके साथ मनाएंगे आप? उसी बगीचे में जाकर जहाँ मैं मेरी बीवी से पहली बार मिला था। मैं जब भी वहाँ जाता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो वहाँ है, मेरे पास बैठी हुई है, मेरी बाहों में सिमट आई है, मुझसे बातें कर रही है, प्यार कर रही है। उफ, मेरी बीवी। चलता हूँ। ओके बाबूजी, देखा ना ना ना। ये वही गीत है जिसको मैंने धड़कन में बसाया है, ये वही गीत है जिसको मैंने धड़कन में बसाया है, तेरे होठों से इसको चुरा कर होठों पे सजाया है, ये वही गीत है जिसको मैंने धड़कन में बसाया है, ये वही गीत है, ये वही गीत है। ये गीत जब गुनगुनाया सज गई है ख्यालों की महफिल, मैंने ये गीत जब गुनगुनाया सज गई है ख्यालों की महफिल, प्यार के रंग आंखों में छाए, प्यार के
कभी तुझको आवाज दी है, मेरे दिल ने यही गीत गाकर। जब कभी तुझको आवाज दी है, फूल जुल्फों में अपनी सजाकर, सर मेरी बेखुदी ने सीने से लगाया है, तेरे होठों से इसको चुरा कर होठों पे सजाया है। ये वही गीत है जिसको मैंने धड़कन में बसाया है, तेरे होठों से इसको चुरा कर सजाया है। ये वही गीत है, ये वही गीत है। अंदर प्रवेश कर सकते हैं? सुमन, तुम मेरी भांजी हो या नहीं, अजी का पत्नी हो या नहीं, तुमने तलाक दे दिया है या तलाक देकर फिर समझौता कर लिया है, इसका फैसला बेटी तुम पर छोड़ती हूँ। मेरी एक प्रार्थना है तुमसे बेटी, संक्षिप्त में तुम एक बार कुछ क्षणों के लिए हमारे घर चलो, हमारे घर चलो बेटी, मान जाओ रानी, मेरी बात मान जाओ, तुमसे बात जोड़ चल चल। अंदर आओ बेटी। देखा, संचित ने मेरी शंका ठीक निकली ना। अच्छा चलो। बेटी, जो कुछ मैंने किया या कहा वो तो सब गलत था, मगर जो कुछ तुमने किया वो भी तो गलत ही निकला। अगर अरेंज मैरिज में सुख नहीं मिला तो लव मैरिज भी सुख नहीं दे सकी ना। तो फिर सुख कहाँ है डैडी? क्या पता बेटी, शायद इंसान का जन्म इसीलिए होता है कि वो सारी उम्र सुख को ढूंढता रहे और सुख उसको ना मिले। मैं तो कहता हूं जब तुमने तलाक ले ही लिया है तो अब कोई दूसरा साथी तलाश कर लो, मगर इस दफा मनमानी मत करना, हमसे भी सलाह मशवरा कर लेना। आखिर अजय भी किसी ना किसी को ढूंढ लेगा, किसी ना किसी के साथ घर बसा ही लेगा। तो
क्या हुआ बेटी? मैं भी आती हूँ डैडी। आज मैं अपने एक पुराने दोस्त की शादी में गया था और वो भी उसकी ये चौथी शादी थी। चौथी? हाँ चौथी, और उसकी अपनी पहली बीवी के साथ, और मालूम है उसकी बीवी की ये छठवीं शादी थी। क्या कह रहे हो? हाँ भाई, पहली बार शादी की, तलाक दिया, दूसरी बार शादी की, फिर तलाक दिया, तीसरी बार शादी की उसी से, फिर तलाक दिया। लेकिन तीसरी बार तलाक देने के बाद बेचारा रॉबर्ट बहुत बीमार पड़ गया, 3 साल तक बीमार रहा। उसकी बीवी से शादी किए बगैर रहा नहीं गया, जाके किसी और से शादी कर ली, उससे तलाक दिया, फिर किसी और से शादी कर ली, फिर उसको तलाक दिया, फिर रॉबर्ट और उसकी मुलाकात हो गई, फिर दोनों एक साथ हनीमून मनाने के लिए चले गए। वाले आदमी थे। हाँ तो मैं क्या कह रहा था तुमसे कि मैं अभी आया, अभी आया। अरे अजीब क्लासिक आदमी है यार। देखो सुमन, मेरा ख्याल है बजाय इसके कि तुम ये सोचो मुझे वैसा होना चाहिए मैं ऐसा हूं, या मैं सोचूं कि तुम्हें वैसा होना चाहिए तुम ऐसी हो, क्यों ना हम दोनों मिलकर जो हम हैं उसी को सोचें, उसी को समझें। मेरा मतलब है वैसे को छोड़कर ऐसे पर क्यों ना आ जाएं? जब हम दोनों एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं तो फिर साथ क्यों नहीं रह सकते? साथ ही तो रह रहे हैं सुमन, एक दूसरे को तलाक देकर भी तो साथ रह रहे हैं, बल्कि जब रिश्ता पक्का था
तो साथ निभाना बड़ा मुश्किल था, मगर तलाक के बाद तो एडजस्टमेंट अपने आप होते जा रहे हैं। शायद किस्मत यही चाहती है कि हम दोनों साथ रहें। देखो सुमन, अगर साथ निभाना है तो वो किस्मत के चाहने से नहीं निभेगा, बल्कि बल्कि हम दोनों के चाहने से निभेगा। मैं तो चाहती हूँ, पर तुम नहीं चाहते। मैं भी चाहता हूँ। तो फिर ये रोज रोज के झगड़े क्यों, ये लड़ाई किस लिए, हम दोनों सुखी क्यों नहीं है? अगर सुख चाहिए सुमन, तो हम दोनों को एक दूसरे को समझना होगा, जानना होगा। विवाहित जीवन का सुख अंडरस्टैंडिंग में है, एडजस्टमेंट में है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग एडजस्टमेंट कहां से आएगी, कैसे आएगी? अगर सचमुच में समझ में आ जाए कि हम दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एडजस्टमेंट नहीं है, तो धीरे धीरे अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगी। देखो तो आना शुरू हो गई है, घर चलें। अशोक हाँ। कहाँ चला गया? अपने हेड ऑफिस। आप दोनों के लिए ये लेटर दिया, ये ले। चेहरा अजय, सच मानो मैं बड़ा खुश हुआ तुमसे और सुमन से मिलकर। तुम दोनों के सुखी प्यार भरे जीवन के लिए मेरी ओर से शुभकामनाएं। बीवी का हुक्म आया है एकदम चले आओ, इसलिए मजबूरन जाना पड़ रहा है। प्लीज बुरा मत मानना। उफ, मेरी बीवी, तुम्हारा अशोक। अरे अरे भाई, इससे तो हमें भी मिलना था। आप उसे घर का पता बता सकते हैं हमें? क्यों, हम उसकी बीवी और बच्ची से मिलना चाहते हैं। उसकी कहानी सुन सुनकर हम दोनों। अशोक की बीवी और बच्ची? जी हाँ, अशोक की बीवी और बच्ची। इसकी कहानी नहीं, आप तुम उसकी बीवी और बच्ची। क्या कह रहे हैं एक लड़की ने प्यार में धोखा दे दिया। लोग शादी के बाद तलाक देते हैं, उस लड़की ने अशोक को शादी से पहले ही तलाक दे दिया। बस तभी से वो हैप्पी मैरिड लाइफ के इमेजिनेटिव कहानी बनाकर लोगों को सुनाता फिरता है। फिर तो ये कहानी सच्चाई से भी ज्यादा सच्ची है। मगर है तो कहानी ना, वो सब इसी कहानी के कैरेक्टर्स है। वो घर, वो बच्ची, वो बीवी। ओफ, मेरी बीवी, क्या बताऊं, जब से मैंने उससे शादी की है मैं इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ। आप लोग पता नहीं कैसे रहते हैं, मैं तो इतना एडजस्ट करते रहता हूँ अपनी बीवी के साथ। वो बीवी है या पता नहीं क्या है, मैरिड लाइफ तो रेलवे की दो पटरियों की तरह है, टू ट्रैक साथ में चले जा रहे हैं, बस कभी अलग नहीं होते, कभी बिछड़ते नहीं, साथ साथ चलते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। ओह मेरी बीवी, ओह आई लव हर सो मच।